सारद शुभ स्वर दीजिए कड़िनायक दो ज्ञान हनुमान बल दीजिए कोई तान सैन देओ तान सफलता की सारी उम्मीदें जय हो हमारे पंकज भैया की बहुत बहुत धन्यवाद बड़े भैया आज मैं अपने घर से लगभग 8:30 बजे निकला अभी रात्रि में तो मौसम बिल्कुल खराब था बिल्कुल सही बता रहा हूं लेकिन किस सफलता की सारी उम्मीदें आशाएं मेरे साथ चलती हैं महकती मचलती वो हवाएं मेरे साथ चलती हैं अदाओं के साथ साथ जाने कितनी फिजाएं मेरे साथ चलती हैं मुझे कुछ हो नहीं सकता क्योंकि जब मैं घर से निकलता हूं तो मेरी माँ की दुआएं मेरे साथ चलती हैं मुझे कुछ हो नहीं सकता क्योंकि मेरी माँ की दुआएं मेरे साथ चलती हैं आइए कहना है पहला नमन मेरा माता को पहला नमन मेरा माता को दूसरा नमन पिता को आराम से बैठ जाए तीसरा नमन गुरु अपने को तो चौथा नमन उस जगत पिता को पहला नमन उस माँ के लिए जिस माँ ने मुझे जन्म दिया है क्योंकि नाम रोशन है माता पिता से इस जमाने में क्योंकि नाम रोशन है माता पिता से इस जमाने में उन्हीं का अश्क भरा है मेरे आसियाने में आज जो कुछ भी हूं मैं उन्हीं की बदौलत से हूं वरना कोई नहीं जानता मुझे इस जमाने में आइए हम जो भी हैं अपने अपने माता पिता की बदौलत हैं अन्यथा हमें जानने वाला पहचानने वाला कोई नहीं है इसलिए जो भी हमारी माताएं बैठी हैं भाई बैठे हैं जो भी अपने अपने माता पिता से प्यार करते हैं एक बार अपने अपने माता पिता के लिए तालियां बजा लीजिए आप लोग अपने अपने माता पिता के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आइए मामाई को मनाएंगे कहेंगे हे माँ बदरिया गम की छाई है मेरी भी बिगड़ी बना दे माँ तूने सबकी बनाई है हर व्यक्ति चाहता है कि हमारे घर पर जगराता हो जाए जागरण होता है ये हमारे कलाकार भाई भी चाहते हैं कि हमारे घर पर भी जागरण हो जाए लेकिन नहीं हो पाता क्योंकि जब तक माँ की कृपा नहीं होती तब तक नहीं हो पाता जज्बात जगे दिल के अंदर अवसर माता जगराता हो जज्बात जगे दिल के अंदर अवसर माता जगराता हो माँ की भक्ति में शक्ति है तो दर दर माता जगराता हो कि माँ की भक्ति में शक्ति है तो दर दर माँ का जगराता हो भक्तों की यही तमन्ना है मेरे घर माँ का जगराता हो एक बार कह दीजिए सच्चे दरबार की देखिए जब भी जयकारे लगाया करें दोनों हाथ खड़े करके लगाया करें क्योंकि सब द्रौपदी को मालूम था द्रौपदी ने कहा कन्हैया आइए मेरी लाज को बचाइए कन्हैया नहीं आए द्रौपदी ने एक हाथ खड़ा किया कन्हैया आओ
लाज बचाइए, नहीं आए कन्हैया। लेकिन जब द्रौपदी ने अपने आप को समर्पित कर दिया, दोनों हाथ खड़े कर दिए, बिल्कुल साड़ी छोड़ दी अपने हाथों से, कहा कन्हैया अब मेरी इज्जत तुम्हारे हवाले, तुम्हें आना ही पड़ेगा, दोनों हाथ खड़े कर दिए, तुरंत मेरे भगवान कन्हैया आए, चीख को बढ़ा दिया। इसलिए जब भी जयकारे लगाया करें, दोनों हाथ खड़े करके अपने आप को समर्पित कर दिया करें। बोलिए सच्चे दरबार की, केला मैया की, दुर्गे मैया की, जय जय श्री हर हर। नरेश भैया आप भी दोनों हाथ खड़े करके आइए, कहना है माँ के लिए मनाएंगे। हे माँ कि आंगन में मेरी माँ का शुभ आगमन हुआ है। ये जागरण किसने कराया? आपने कराया भैया? इन्होंने? अच्छा आपने कराया, आपने नहीं कराया, हम बताएंगे किसने कराया। कि आंगन में मेरी माता ये शुभ आगमन हुआ है। और बात अगर सही हो तो आप सभी की तालियां बजनी चाहिए। कि माँ की कृपा से माता ये शुभ जागरण हुआ है। आइए दोनों हाथ खड़े करते हैं बड़े भाव के साथ, क्योंकि जब तक माँ की कृपा नहीं है तब तक कोई भी जागरण नहीं हो सकता। ना मैं करा सकता हूँ, ना आप करा सकते हैं, ना ये करा सकते हैं, कोई कराने वाला नहीं है। आइए तालियों के साथ, अरे माँ की कृपा से माता, अरे माँ की कृपा से माता शुभ जागरण हुआ है। माँ की कृपा से माता शुभ जागरण हुआ है। अरे आंगन में मेरी माता शुभ आगमन हुआ है। आंगन में मेरी माता शुभ आगमन हुआ है। आंगन में मेरी माँ का शुभ आगमन हुआ है, माँ की कृपा से माँ का शुभ जागरण हुआ है। क्योंकि जब तक माँ की कृपा नहीं होती दादाजी दादी जी, तब तक ये जागरण हो ही नहीं सकता था। क्यों नहीं हो सकता था? सुनिएगा, मैं माँ हूँ क्या तू खड़ी आगे मेरे। अब जब माँ आगे आ गई है तो बच्चा सोच रहा है मैं मांगू क्या। अरे मैं माँ हूँ क्या तू खड़ी आगे मेरे। अरे सब शोक संकट हैं भागे मेरे। मैं माँ हूँ क्या तू खड़ी आगे मेरे, सब शोक संकट हैं भागे मेरे। हाँ जी बड़े भाव से सुनते जाएंगे, क्योंकि सुबह का वक्त है, सुनने सुनाने वाली बातें होंगी। आप जैसा चाहेंगे वैसी भी होंगी। छोटा भैया, अरे मैं मांगू क्या तू खड़ी आगे मेरे, सब शोक संकट हैं भागे मेरे। और हे मां, क्योंकि हमारा रिश्ता जन्मों जन्मों का है। अरे बांधे जो तूने ये धागे मेरे, जो तूने प्रेम के धागे बांधे हैं मुझसे मां। अरे बांधे जो तूने ये धागे मेरे, सोए मुकद्दर भी जागे मेरे। बांधे जो तूने ये धागे मेरे, सोए मुकद्दर भी जागे मेरे। बांधे जो तूने ये धागे मेरे, तो सोए मुकद्दर भी जागे मेरे। हे माँ, अरे भक्ति भरा माँ घर में, अरे भक्ति भरा माँ घर में वातावरण हुआ है। भक्ति भरा घर में वातावरण हुआ है। धारा भैया, अरे आंगन में मेरी माता, अरे आंगन में मेरी माता शुभ आगमन हुआ है। क्या बात है, बहुत सुंदर।
इंसान न जाने क्या क्या सोचता है, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, लेकिन नहीं कर पाता। मैं ये करूं, मैं वो करूं, क्या धारणा इंसान की कि होनी तो होती वही जो इच्छा है भगवान की। कि जमी पलटे जुबां पलटे, जमाने का कहा पलटे, मगर ये हो नहीं सकता कि किस्मत का लिखा पलटे। किन किन को ये माँ की सूरत अच्छी लग रही है, जरा हाथ खड़े कर दें, जिन जिन को अच्छी लग रही है, और हाथ ऐसे खड़े करेंगे जैसे माँ की नजर आपके हाथों पर पहुंच जाए। हो सकता है आपके हाथ में कोई भी गलत रेखा, वो कम से कम ठीक हो जाएगी। कह दीजिए सच्चे दरबार की माँ, अरे मन में माँ बस गई है सूरत तेरी। आकाश भाई, अरे मन में माँ बस गई है सूरत तेरी। और क्यों बस गई है? मन में माँ बस गई है सूरत तेरी, सूरत बड़ी खूबसूरत तेरी। मन में माँ बस गई है सूरत तेरी, सूरत बड़ी खूबसूरत तेरी। वाकई में खूबसूरत है माँ की तस्वीर, जो माँ की सूरत है वो वाकई में खूबसूरत है माँ। अरे मन में माँ बस गई है सूरत तेरी, सूरत बड़ी खूबसूरत तेरी। और हे मेरी माँ, क्योंकि मैं तो अबोध बालक हूँ, लेकिन कोशिश करता हूँ, ऐसे ऐसे विद्वान जहाँ मिलते हैं, जहाँ ऐसे ऐसे श्रोता मिलते हैं सुनने के लिए, तेरे भक्त मिलते हैं, वो मुझे बताते हैं। अरे पूजा करूँ शुभ मुहूर्त तेरी, जब भी मैं पूजा करता हूँ शुभ मुहूर्त में करता हूँ, क्योंकि तेरी कृपा है। अरे पूजा करूँ शुभ मुहूर्त तेरी, और मुझे नहीं सभी भक्तों को। अरे पूजा करूँ शुभ मुहूर्त तेरी, अरे बेटे को हर पल जरूरत तेरी। पूजा करूँ शुभ मुहूर्त तेरी, बेटे को हर पल जरूरत तेरी। उंगली पकड़ ली मेरी, क्योंकि बचपन में भी माँ उंगली पकड़ के जब चलाती है, बच्चा कोई भी फरमाइश करता है कि टॉफी लूंगा, चॉकलेट चाहिए माँ, तो वो फरमाइश पूरी करती है। लेकिन जब माँ ने उंगली पकड़ ली, जिस दिन से समझ ली, उस दिन से बेड़ा पार हो गया। अरे उंगली पकड़ ली मेरी, सुबह आचरण हुआ है। उंगली पकड़ ली मेरी, सुबह आचरण हुआ है। अरे माँ की कृपा से माता सुबह जागरण हुआ है। माँ की कृपा से माता सुबह जागरण हुआ है। भाव से दोनों हाथ खड़े कर दे, दोनों हाथ भाव से कह दे सच्चे दरबार की, हे माँ, मैं आ ही गया मन ये माना नहीं, क्योंकि समय नहीं था, लग नहीं रहा था कि मैं आ पाऊंगा, क्योंकि मौसम खराब था, लग नहीं रहा था कि जागरण हो भी पाएगा, लेकिन माँ की कृपा हुई। मैं आ ही गया मन ये माना नहीं, लेकिन मैं तो एक अबोध बच्चा हूँ माँ, जानता कुछ नहीं हूँ। मैं आ ही गया मन ये माना नहीं, अरे जानू मैं तुमको मनाना नहीं। आ ही गया मन ये माना नहीं, जानू मैं तुमको मनाना नहीं। और माँ तुम हमारे दारा भैया के घर में आई हो, एक निवेदन कर रहा हूँ। तुम आ ही गई हो तो जाना नहीं, तुम आ ही गई हो तो जाना नहीं। लेकिन तुम्हारी भी मजबूरी है, क्योंकि हम जैसे भक्त ना जाने कितने तुमको मना रहे होंगे, क्योंकि माँ को तो हर बेटे से प्यार करना पड़ता है, चाहे बच्चा कितना भी कैसा भी हो, छोटा हो बड़ा हो कैसा भी हो, लेकिन माँ प्यार जरूर करती है, हर बच्चे की फरमाइश पूरी करती है। इसलिए तुमसे एक निवेदन है, तुम जाओगी जरूर मुझे पता है, लेकिन
तुम आ ही गई हो तो जाना नहीं। लेकिन निवेदन विनती इतनी है, जाना हमें भूल जाना नहीं। तुम आ ही गई हो तो जाना नहीं। आ ही गई हो तो जाना नहीं, अरे जाना हमें भूल जाना नहीं। अरे रामवीर आज निर्मल, अरे रामवीर आज निर्मल, अंतःकरण हुआ है रामवीर आज निर्मल। दोनों हाथ, सभी सिनेमा में दोनों हाथ और तालियों के साथ। अरे जयकारा जयकारा जयकारा, सिरों वाली दा बोलो जयकारा, जयकारा जयकारा जयकारा, सिरों वाली दा बोलो जयकारा। अरे जयकारा जयकारा जयकारा, सिरों वाली दा बोलो जयकारा, ओ जयकारा जयकारा जयकारा, सिरों वाली दा बोलो जयकारा। सच्चे दरबार।